मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के सहाफती इदारों का हुकूमत से मेटा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। मीडिया इदारों का कहना है कि मेटा मुकाबला करने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। कैनेडियन हुकूमत मेटा को खबरों को ब्लॉक करने से रोके। महंगाई के सताए कैनेडियन शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कनाडा में एक बार फिर गैस की कीमतों में इजाफे का खदशा। गैस की कीमतें $2 फी लीटर तक पहुंचने का इम्कान। कैनेडियन सूबे ओंटारियो में शदीद गर्मी के दौरान काम के नए जवाबित की तजवीज़। मुजवजा बिल पेशावराना सेहत और हिफाजती एक्ट के तहत मुतारिफ कराया जाएगा। हुकाम का कहना है कि शदीद गर्मी काम करने वाले अफराद के लिए खतरा बन सकती है। रूस का नेटो को सख्त इंतबाह। रूसी हुकाम का कहना है कि रूस अपने खसूसी फौजी ऑपरेशन से तमाम अहदाफ हासिल कर सकता है। अक्वामे मुतहदा को एटमी जंग शुरू होने का खदशा। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। मजीद 33 अफराद हलाक और 18 लापता। चीन में होने वाली बारिशों में हलाकतों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी वर्क पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कनाडा के सहाफती इदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मेटा की जानिब से खबरें ब्लॉक करने की तहकीकात करें। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सहाफती इदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मेटा की जानिब से खबरें ब्लॉक करने की तहकीकात करें। मेटा ने गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पर तमाम सार्फिन के लिए खबरों को ब्लॉक करना शुरू किया था, जिसके तहत इंटरनेट की बड़ी कंपनियों को खबरों के मजामीन के लिए अदायगी करना लाजमी करार दिया गया था। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन न्यूज़ इंडस्ट्री ग्रुप्स ने मुल्क के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर से मुतालबा किया है कि वो मेटा प्लेटफॉर्म्स की जानिब से मुल्क में अपने प्लेटफॉर्म्स पर खबरों को ब्लॉक करने के फैसले की तहकीकात करे। कैनेडा का ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट बिल C-18, जो टेक्नोलॉजी कंपनियों को खबरों के लिए अदायगी करने के आलमी रुझान का हिस्सा है, जून में कानून बन गया था लेकिन अभी तक नाफिज नहीं हुआ है। हुकूमत इन कवानीन को हतमी शक्ल दे रही है, जिनके तहत इस साल के आखिर तक कानून के नफाज के बाद प्लेटफॉर्म्स को कुछ इश्तेहारी आमदनी का इश्तराक करने की जरूरत होगी। खबरों की सनत के ग्रुप्स ने कनाडा की कंपटीशन ब्यूरो को एक दरख्वास्त में कहा कि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से खबरों के मवाद को ब्लॉक करने के अपने फैसले के जरिए मेटा कैनेडियन न्यूज इदारों की खबरों की अशात और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केटों में मौसर तरीके से मुकाबला करने की सलाहियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये दरख्वास्त इंडस्ट्री बॉडीज़ न्यूज़ मीडिया कनाडा और कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स के साथ साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जानिब से दायर की गई थी और मसाबकती ब्यूरो से मुतालबा किया गया था कि वो मेटा की तहकीकात करे और इसे खबरों को ब्लॉक करने से रोके। दरख्वास्त दहिंदगान ने एक बयान में कहा, मेटा का मसाबकती तर्ज अमल, जिसने दुनिया भर के रेगुलेटर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है, इश्तिहारात और सोशल मीडिया की तकसीम में अपनी पहले से गालिब पोजीशन को मजबूत करेगा और कैनेडियन सहाफत को नुकसान पहुँचाएगा। कैनेडा के ड्राइवर एक बार फिर पंपों पर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते गैस की कीमतों में इजाफे की तवक्को है और खिजा तक ये कीमत इनके करीब $2 फी लीटर तक पहुंचने की तवक्को है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
कनाडा के ड्राइवर एक बार फिर पंपों पर मुश्किलात का सामना कर सकते हैं क्योंकि इस हफ्ते गैस की कीमतों में इजाफे की तवक्को है और खजा तक ये कीमत उनके करीब $2 फी लीटर तक पहुंचने की तवक्को है। माहिरीन के मुताबिक बहुत से कैनेडियन पहले से ही जिंदगी की लागत में इजाफे के साथ माली मुश्किलात महसूस कर रहे हैं जिनके लिए ये एक और धचका है। हालिया तवील वीकेंड में 4 सेंट की कमी के बाद जुमेरात तक गैस की कीमतों में 4 सेंट के इजाफे के साथ वापस जाने की तवक्को है। माहिरीन का कहना है कि ये मज़हका खेज है, हम असीर हैं और गैस बढ़ जाती है, तेल नीचे जाता है और गैस ऊपर जाती है, ये मायूस कुन है। ये गैस पंपों पर खौफ और हिरास पैदा करने वाला तवील मुद्दती इजाफा है। सितंबर तक कीमतें इस वक्त से 20 सेंट ज़्यादा हो सकती हैं। कैनेडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का कहना है कि सर्दियों के महीनों में गैस की कीमतें कम होती हैं लेकिन मौसम बहार, मौसम गर्मा और खिजा में कम दिन और ख़राब मौसम की वजह से कम ड्राइविंग के मौसमी अंदाज की वजह से ज़्यादा रहती हैं। ये तेल की कम कीमत के साथ मिलकर गैस की कीमतों को कम करने के लिए जाना जाता है, ताहम इस साल इसके बरक्स होने का इम्कान है। कमज़ोर कैनेडियन डॉलर ईंधन की कीमत में 28 सेंट फी लीटर का इजाफा कर रहा है। वफाकी हुकूमत का कार्बन टैक्स भी हर लीटर पर 14 सेंट का इजाफा करता है। गुज़िश्ता जून में गैस की कीमतें $2.15 फी लीटर पर पहुंच गईं क्योंकि COVID-19 पाबंदियां ख़त्म होना शुरू हुई। माहिरीन को यकीन नहीं है कि इस साल कीमतें उन सतहों तक पहुँच जाएंगी। मौसमियाती तब्दीली की वजह से कनाडा भर में शदीद गर्मी के वाक़यात में इजाफे के सबब ऑन्टेरियो सूबे में कारकुनों को गर्मी से मुतालिक बीमारियों से बचाने के लिए जवाबित तजवीज़ किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली की वजह से कनाडा भर में शदीद गर्मी के वाक़यात में इजाफे के सबब ऑन्टेरियो सूबे में कारकुनों को गर्मी से मुतालिक बीमारियों से बचाने के लिए जवाबित तजवीज़ किए जा रहे हैं। मुजवजा बिल पेशावराना सेहत और हिफाजती एक्ट के तहत तमाम काम की जगहों के लिए मुख्तलिफ तकाजों के साथ जहाँ OHSA लागू होता है एक स्टैंड अलोन गर्मी के दबाव का जाब्ता मुतारिफ कराएगा। तजवीज़ के तहत काम की जगहों को गर्मी का तायुन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के मुताबिक हल्के से बहुत ज़्यादा काम के बोझ के लिए गर्मी के दबाव के असरात की हदूद की तामील करने की ज़रूरत होगी। आजरों से गर्मी की नुमाइश को कंट्रोल करने के इकदाम को नाफिज करने और कारकुनों को गर्मी से मुतालिका बीमारियों की अलामात को पहचानने के बारे में मालूमात और हिदायत फराहम करने की भी ज़रूरत होगी। वजारत मेहनत इमिग्रेशन ट्रेनिंग और हुनर की तरक्की की तजवीज़ में कहा गया है कि इस तरह के जवाबित के असरात का जायज़ा लेने के लिए एक तजिया जारी है। वजारत का कहना है कि शदीद गर्मी के वाक़यात ऑन्टेरियो में कारकुनों के लिए सेहत का बढ़ता हुआ ख़तरा है और गर्मी की लहरें और गर्मी से मुतालिका बीमारियाँ ज़्यादा बार बार होने का इम्कान है। रूस ने नेटो को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि हम यूक्रेन में अपनी शराइत पर अमन कायम करेंगे, फौजी ऑपरेशन से तमाम अहदाफ हासिल कर सकते हैं। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। रूस ने नेटो को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि हम यूक्रेन में अपनी शराइत पर अमन कायम करेंगे, फौजी ऑपरेशन से तमाम अहदाफ हासिल कर सकते हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन देमतरी मेदिदोव ने अपने एक बयान में कहा है कि नेटो का पूरा फौजी इतिहाद हमारे खिलाफ खुलकर लड़ रहा है, लेकिन रूस इतना मजबूत है कि वो तमाम नेटो के साथ तकरीबन बराह रास्त तसादम का सामना करने के बावजूद अपने खसूसी फौजी ऑपरेशन से तमाम अहदाफ हासिल कर सकता है। देमतरी मेदिदोव ने मजीद कहा कि हम खसूसी फौजी ऑपरेशन के तमाम अहदाफ हासिल करने के लिए काफ़ी मजबूत हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे अगस्त 2008 में हमारे दुश्मन मगलूब हो गए थे। तारीख को दोहराते हुए अब की बार भी रूस यूक्रेन में मगरिब को शिकस्त देकर अपनी शराइत पर अमन कायम कर लेगा और जीत हमारी ही होगी। मेदिदोव जो 2008 से 2012 तक रूस के सदर रह चुके हैं ने मजीद कहा कि उनका मुल्क आज भी मुस्तहकम पोजीशन में है। दूसरी जानिब अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दुनिया में एटमी जंग शुरू होने का संगीन खदशे का इजहार कर दिया है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इस वक्त जब बाज़ ममालिक एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं तो इस कुर्रे अर्ज़ पर एटमी जंग का साया दोबारा जाहिर हो गया है। अक्वामे मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल के इस संगीन खदशे को रूस यूक्रेन तनाज को लेकर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के बयानात और शुमाली कोरिया जापान अमरीका तालुकात और धमकियों के तनाजर में देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि अमरीका ने दूसरी आलमी जंग के आखिरी अयाम में जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटमी बम गिराए थे जिससे लाखों अफराद लक्मा अजल बन गए थे और आने वाली कई नस्लों को तिब्बी हवाले से इसके बद असरात का सामना करना पड़ा। चीन के दारुल हुकूमत में शदीद बारिशों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 33 हो गई जबकि 18 अफराद अब भी लापता हैं।
مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چین کے دارالحکومت میں شدید بارشوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 33 ہو گئی جبکہ 18 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بیجنگ میں ہونے والی ریکارڈ توڑ بارشوں میں مزید 33 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 18 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ بیجنگ کے میئر نے جمعے کے روز میڈیا کو بتایا تھا کہ چین میں ایک ماہ کے دوران بارشوں میں ہلاک اور لاپتہ ہونے والوں کی تعداد 147 ہو گئی۔ بیجنگ میں مسلسل ہونے والی بارشوں میں انفراسٹرکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور کئی علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ بارشوں میں ہلاک ہونے والوں میں ریسکیو اہلکار بھی شامل ہیں، تاہم انہوں نے تعداد نہیں بتائی۔ واضح رہے کہ 2 اگست کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہونے والی بارشوں سے 140 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور اس دن 22 ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستانی اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔